physics sarthi Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. चलो अभी 2020 का एक क्वेश्चन देखो. 2020 का मेरा 8 नंबर क्वेश्चन. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है an ammeter of resistance 20 ohm gives full scale deflection when 1 milliampere current flows through it. What is the maximum current that can be measured by connecting 4 resistors each of 16 ohm parallel with the ammeter? Aapka option dekh lo. 6 milliampere. What is the maximum current? Okay. B is 4 milliampere, C is 8 milliampere, D is 2 milliampere. An ammeter of resistance 20 ohm. Ammeter of resistance 20 ohm. G lele, G is 20 ohm. Ammeter of resistance 20 ohm gives full scale deflection when 1 ampere current flows through it. Ig is 1 milliampere. Correct? एक ammeter है. Ammeter का G ले लेती हूँ 20 ohm. And इसमें full scale deflection मतलब Ig कितना होना चाहिए? 1 milliampere. 1 milliampere is the maximum current full scale deflection हो जाएगा. उससे ज्यादा current डालोगे तो जल जाएगा. This is मेरा ammeter. ठीक है? Now, what is the maximum current that can be measured by connecting 4 resistors each of 16 ohm parallel with the ammeter? Okay. तो this ammeter मेरा series circuit में है. Series circuit means इधर एक load, इधर एक battery. This is my main circuit. ये ammeter के साथ 4 मुझे कनेक्ट करना है. 4 4 रेजिस्टर पैरेलल. ईच ऑफ देम इज 16 ओम. अरे बाबा 1/R = 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16. मैंने पहले भी सिखाया था कैसे करते हैं. 4/16 आर होता है 16/4 = 4 ओम. तो इतना 4 रेजिस्टेंस उनके पास 16 ओम का रेजिस्टेंस था. क्या करे, 4 बार लगाया, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का लगा देते तो एक ही बात होता था. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं इधर कर लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. दिस इज माई गैल्वेनोमीटर. दिस में ऊपर रख दिया मैंने 4 ओम, इधर सारे में 16 ओम. 4 बार लगाया मैंने, एक बार 4 लगा दिया, सेम काम करेगा. दिस इज मेरा आई जी, दिस इज मेरा आई, दिस इज मेरा आई माइनस आई जी. ये मेरा मेन सर्किट. मेन सर्किट इज लाइक दिस. क्लियर? बिल्कुल क्लियर. What is the maximum current that can be measured? अच्छा, इसका G is 20 ohm दे दिया, gives full and Ig दे दिया. Ig दे दिया is 1 milliampere. Ampere में कर लो, 10^-3 ampere. G दे दिया 20 ohm. अभी बोल रहा है ये सब कनेक्ट करने के बाद मैक्सिमम करंट क्या मेजर कर सकता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आई पूछा है, करेक्ट, आई पूछा है. तो मैं क्या करूंगी, आई माइनस आई जी इंटू 4 इक्वल टू आई जी इंटू 20. एंड आई जी का वैल्यू मुझे पता है, सब कुछ तो पता है, तो आई निकल जाएगा. 4i = 4i - 4ig = 20ig. So 4i equal to 24ig. 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 Ig बोले तो 10^-3 ampere.
सो आई बोले तो आई आएगा 10/4 इंटू 10^-3 मिली एम्पेयर में एनीवे है, तो 10/4 मिली एम्पेयर कर लेती हूँ। 10/4 कितना होता है? 2.5 मिली एम्पेयर। अरे 2 मिली एम्पेयर दे दिया, 2.5 मुझे क्यों आ गया? किधर गलती किया मैंने? इधर तो 20 है, इधर आई माइनस एन जी 4 तो 4 इंटू 4 20, तो 24 आ गया, 24 आ गया, 24 को 4 से चार्ज ये क्या किया मैंने, 24 आई जी तो 10 क्यों लिखा मैंने? अच्छा 24 प्लस 24 अच्छा एक तो 24 एक क्या किया इधर 24 आएगा ना, 24 इंटू 10^-3 आ गया, आई हो गया 24 बाई 4 सो 24 बाई 4 चार 6 मिली एम्पीयर। सॉरी गलती से मिस्टेक इसको बोलते हैं, गलती से मिस्टेक हो गया था, थैंक गॉड इधर 2.5 कुछ नहीं था, वरना मैं गलत ऑप्शन कर दी थी, इधर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, अभी करेक्ट कर दिया, कट देने के बाद 6 मिली एम्पियर आ गया। तो अभी आप इधर 4 16 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे तो 6 मिली एम्पियर ये मेजर कर पाएगा। पहले जब रेजिस्टेंस नहीं था तब क्या कर रहा था? 1 मिली एम्पियर कर रहा था। क्लियर? कैसे किया क्लियर? इधर से इसको छोटा कर लिया, उतना सारे चार रेजिस्टेंस को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 बना लिया, फिर आई जी का वैल्यू दे दिया, जी का वैल्यू दे दिया, आई माइनस आई जी इंटू 4 इक्वल टू आई जी इंटू जी मतलब 20। इसको कैलकुलेट करो, 6 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट 20 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन लाइक दिस, इफ बेनिफिटेड डू वॉच।